मीट मिस्टर मीको 2.0 जिसने लिटरली यूट्यूब शॉर्ट्स एल्गोरिदम को हैक कर लिया है। लास्ट 30 डेज में मिस्टर मीको ने पूरे 14 करोड़ व्यूज और 3 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। पर कैसे? अगर ये तुम मिस्टर मीको से पूछोगे तो उसका रिप्लाई शायद ये होगा, सच बताओ तो मुझे लिटरली में कोई भी आईडिया नहीं है। बट मैंने मिस्टर मीको की 80 से ज्यादा वीडियोस को स्टडी किया एंड अपनी ऑब्जर्वेशंस को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। अच्छी बात यह है कि ये टिप तुम भी अपने शॉर्ट्स चैनल पर अप्लाई करके मिस्टर मीको जैसे ग्रो कर सकते हो। इसमें से टिप 1 मेरी फेवरेट है और टिप 4 हर शॉर्ट्स चैनल के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग विद टिप नंबर 1, प्लेइंग विद इमोशंस। तो कुछ देर के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम किसी भी मूवी के बारे में सोचो जो तुमने देखी है, लाइक तुम्हारी फेवरेट मूवी हो सकती है, और खुद से पूछो कि क्या पूरी मूवी के स्टार्ट से एंड तक तुम्हारे इमोशंस सेम थे। 99% टाइम्स द आंसर विल बी नो। एक मूवी अगर किसी हैप्पी नोट के साथ स्टार्ट होती है तो कुछ देर बाद मूवी में कुछ ऐसा सीन आता है जिससे तुम सैड हो जाते हो। ये सैड इमोशंस चेंज होती है फियर या एंगर जैसे इमोशंस में, और फाइनली एंड में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे तुम वापस से खुश हो जाते हो। इन शॉर्ट, ये मूवी वाले तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलते हैं। ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मिस्टर मीको अपने वीडियोस में एग्जैक्टली इसी पैटर्न का यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई क्रिएटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोप बबल। इस वीडियो में मिस्टर मीको बहुत ही जोश के साथ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोप बबल बनाने की सोचता है, जिससे वो व्यूअर्स के मन में एक्साइटमेंट वाले इमोशंस लाता है। लेकिन बबल बनाते समय फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मीको का पोपट हो जाता है, जिससे इमोशंस एक्साइटमेंट की जगह डिसअपॉइंटमेंट में बदल जाते हैं। बट फिर मीको यूट्यूब पे बबल बनाने की ट्यूटोरियल देखता है और फाइनली एक बड़ा बबल बना देता है, जिससे डिसअपॉइंटमेंट के इमोशंस हैप्पीनेस में चेंज हो जाते हैं। मैंने मीको की बहुत सारी वीडियोस को देखा एंड ऑलमोस्ट एवरी वीडियो हैज द सेम पैटर्न। इन शॉर्ट, अगर वीडियोस को इंटरेस्टिंग बनाना है देन प्ले विद द व्यूअर्स इमोशंस। लेकिन इमोशंस वगैरह तो तुम तब क्रिएट करोगे ना जब तुम्हारी वीडियो को कोई देखेगा, और इसलिए मिस्टर मीको कुछ ऐसा करता है जिससे तुम पूरी वीडियो एंड तक देख जाते हो। टिप नंबर 2, एडिटिंग फॉर द एल्गोरिथम। कोई भी इंसान अगर YouTube शॉर्ट्स देख रहा है तो उसका अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा कम होता है। मतलब अगर उसको तुम्हारी वीडियो थोड़ी सी भी बोरिंग लगी तो उसके पास लाखों और वीडियोस का ऑप्शन है। ऐसे में मिस्टर मीको यूजेस हिज स्पेशल एडिटिंग। तो मिस्टर मीको की कोई भी वीडियो जाके देख लो, यू विल सी कि हर वीडियो में कोई भी फुटेज ऐसी नहीं होगी जो स्क्रीन पे 3 सेकंड से ज्यादा देर तक स्टैटिक है। हर 2 से 3 सेकंड के बाद एक कट, एक बी रोल या करंट फुटेज को जूम कर दिया जाता है। मिस्टर मीको ये सब इसलिए करता है ताकि तुम्हारा पूरा फोकस उसकी वीडियो पे रहे, बिकॉज अगर तुम कहीं भी इधर उधर देखोगे देन यू विल मिस समथिंग इन द वीडियो। बस यही नहीं, मिस्टर मीको अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में स्क्रीन पे ये टेक्स्ट ऐड करता है। पर क्यों? वीडियो देखना एक पैसिव काम है, मतलब तुम्हें वीडियो देखते समय खुद को एफर्ट्स नहीं लगाना होता। वहीं पर रीडिंग एक एक्टिव काम है जिसमें तुम्हें ज्यादा फोकस की जरूरत है। टेक्स्ट ऐड करने से मीको अपने व्यूअर्स को इंस्टेंटली पैसिव से एक्टिव बना देता है, और व्यूअर्स मीको की वीडियो को क्विट कर दें इसके चांसेस बहुत लो हो जाते हैं और मीको को पूरा वॉच टाइम मिलता है। ओवरऑल मीको की एडिटिंग तो मस्त है ही, बट अगर वीडियो का आइडिया ही बोरिंग हो तो अच्छी एडिटिंग का कोई फायदा नहीं। यहीं पे आती है टिप नंबर 3, अनयूजुअल वीडियो आइडियाज। इरेजर तो सब ने यूज किया है बट खत्म किसी ने नहीं। फोन तो सभी ने चार्ज किया है बट आलू से नहीं। गूगल की डायनासोर वाली गेम तो सभी ने खेली होगी बट कंप्लीट किसी ने नहीं। इन शॉर्ट, मिस्टर मीको के आइडियाज में बहुत ही सिंपल एलिमेंट्स का यूज होता है जिससे कॉमन पब्लिक रिलेट कर पाती है, एंड एट द सेम टाइम मिस्टर मीको उसमें एक ट्विस्ट ऐड करता है जिससे आइडियाज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। लाइक फेविकॉल तो सभी ने यूज किया है ना, बट फोन अनलॉक करने के लिए किया है क्या? ओवरऑल कुछ ऐसा करो जो कॉमन पब्लिक तो करती ही है बट उसमें ट्विस्ट डाल दो। ऑल्सो मीको की टाइटल्स हमेशा 50 कैरेक्टर्स से कम की होती है बिकॉज ऑफ विच दे आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड हाईली क्लिकेबल। अब फाइनली आते हैं टिप नंबर 4 में, जो कि हर शॉर्ट्स क्रिएटर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज रेगुलर अपलोड। एक यूट्यूब शॉर्ट मैक्सिमम कितने ही देर का होगा? 15 सेकंड, 30 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 60 सेकंड। जस्ट बिकॉज यूट्यूब शॉर्ट्स की ड्यूरेशन इतनी कम होती है, दे बिकम एन इजिली कंज्यूमेबल एंड डाइजेस्टेबल पीस ऑफ कॉन्टेंट। मतलब अगर तुमने एक अच्छी यूट्यूब शॉर्ट देखी तो तुम्हारा मन नहीं भरेगा बल्कि तुम वैसे ही और शॉर्ट्स देखना चाहोगे। इसलिए यूट्यूब शॉर्ट्स क्रिएटर के लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। बट क्वेश्चन है कि मिस्टर मीको इतने आराम से हर दिन वीडियोस कैसे डालता है? अब मुझे मिस्टर मीको का एग्जैक्ट शेड्यूल तो नहीं पता, बट आई कैन गेस कि मिस्टर मीको डज समथिंग कॉल्ड बैचिंग। यूट्यूब के टर्म्स में बैचिंग मतलब एक पर्टिकुलर डे पर बल्क में ढेर सारी वीडियोस रिकॉर्ड करना। अगर तुम मिस्टर मीको के चैनल पर जाके देखो देन यू विल सी कि उसके बहुत सारे कंसेक्यूटिव वीडियोस हैं जिसमें मिस्टर मीको ने सेम टी शर्ट पहनी है। दिस इज प्रॉब्ली बिकॉज मिस्टर मीको एक दिन में सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टीपल वीडियो शूट करता है जो उसने एडवांस में प्लान की थी, एंड दैट्स हाउ ही नेवर रन्स आउट ऑफ वीडियोस। लेकिन क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डू बैचिंग? सिंपल, नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाने जाओ तो सिर्फ एक नहीं बट मल्टीपल वीडियोस रिकॉर्ड करना जिसकी स्क्रिप्ट तुमने एडवांस में प्रिपेयर की है। दिस विल एक्चुअली सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम, क्योंकि तुम्हें बार बार ट्राइपॉड, लाइट्स और बाकी चीज़ों का सेटअप नहीं करना पड़ेगा, और फिर एडिटिंग तो तुम कभी भी कहीं भी कर लोगे। अच्छा, अब यहाँ तक आ गए हो तो इसका मतलब तुम्हें वीडियो बहुत पसंद आई होगी। देन व्हाई नॉट वॉच अनदर वीडियो। तुमसे उसी वीडियो में मिलूंगा। बाय।